राजस्थान के अंता में बम्बोरी बालाजी मेले में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चेयरमैन मुस्तफा खान व अध्यक्षता एसडीएम दीपक महावर व विशिष्ट अतिथि तहसीलदार सुरेंद्र सिंह गुर्जर रहे। कवि सम्मेलन की शुरुआत वाराणसी से आई कवयित्री विभा शुक्ला ने सरस्वती वंदना से की। कवि राम भदावल ने बलिदानों में सबसे ऊपर दिखता है राजस्थान, इतिहास कायरों से लिखा नहीं जाता व जिस वह घर कभी सुखी नहीं, कविता पर श्रोताओं की खूब तालियां बजाकर वाहवाही लूटी। कवि दिनेश देसी घी ने अपनी कविता माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती सुनाने पर श्रोता भाव विभोर हो गए। वीर रस के कवि फैजान, कवि पार्थ नवीन ने, देवेंद्र वैष्णव ने भी काव्य पाठ किया। कवि सम्मेलन में श्रोता भोर तक कवियों की कविता सुनते रहे, अपनी जगह से हिले नहीं। मंच का संचालन कवि ओम मेरोठा ने किया। कार्यक्रम के पूर्व मेला समिति द्वारा सभी अतिथियों का साफाबंदी व फूलमाला पहनाकर स्मृति चिन्ह देकर स्वागत सत्कार किया। बनारस के श्रृंगार के रस में लेके चलूंगी और उस श्रृंगार के रस में मैं अपना एक रस आप तक छोड़ के जाऊंगी और आपका प्रेम स्नेह लेकर जाऊंगी। जो उन्नति के सपने भी बुन नहीं सकते, जिनकी आंखों का मर गया पानी, जो उन्नति के सपने भी बुन नहीं सकते, वो इस देश की मिट्टी पे काम कर देंगे जो इस देश की बातें भी सुन नहीं सकते। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।